नमस्ते, टेरिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बचे हुए इडली से मसालेदार चटपटा तवा इडली बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ इडली, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, करी पत्ता, इन सबको मैंने बारीक काट लिया है। टमाटर को भी मैंने काट लिया है। सरसों, पाव भाजी का मसाला, गन पाउडर। पाव भाजी का मसाला और गन पाउडर को मैंने घर पे बनाया है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और नमक लिए हैं। सबसे पहले हम इडली को 4 पीस में काट लेंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें 1 चम्मच सरसों और करी पत्ता डालेंगे। अब इसमें प्याज और हरी मिर्च डालेंगे। प्याज को 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी प्याज के साथ हम 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। टमाटर हल्का गल गया है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें 1 चम्मच पाव भाजी का मसाला, 1 चम्मच गन पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे और इसे 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। मसाला भुन गया है, अब हम इसमें इडली डालेंगे और इसके ऊपर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। इसे ढक देंगे और इसे 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इस पर धनिया पत्ता डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके ऊपर नींबू का रस डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। इसे हम नारियल की चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो लीजिए, बचे हुए इडली से गर्मा गर्म तवा मसाला इडली तैयार है। धन्यवाद।